हाय, तो मैं हूं आपका संजीव कपूर डुप्लीकेट, और आज हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं शाही पनीर। तो ये बेसिकली समतले में, क्या ये शटर है या ये स्लाइडर है? अगर आप यहां तक रुके हुए हो तो अब मैं बताऊंगा इसकी आपको वन बाय वन कॉस्टिंग। तो गाइस, आ गए हैं आज फिर से हम ओजोन के एक्सपीरियंस सेंटर में, जो कि है रजौरी गार्डन में, क्योंकि पिछली वीडियो पे आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया था। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में वार्डरोब बनाने वाले हो तो उसको लग्जरी फील देने के लिए उसमें कौन सी एसेसरीज आपको डालनी है जिससे आपका जगह का जो वार्डरोब है वो कुछ लगेगा। अब पहले फोटो देख लो, बाकी अंदर बताता हूँ। सो पहले ऑडियंस, हम फर्स्ट तो ये जो वार्डरोब देख रहे हो, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, ये एक ही वार्डरोब है। इसको आपको एक लग्जरी फील कैसे देना है वो मैं वन बाय वन बताऊंगा। आप चाहो तो इसको सिंगल वार्डरोब में भी लगा सकते हो, डबल शटर के अंदर भी एसेसरीज डाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पुल आउट ट्राउजर हैंगर के बारे में। ये तो ये बेसिकली सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने कपड़ों को, अपने फॉर्मल क्लोथ्स या ट्राउजर्स को जो होता है ना, बिल्कुल प्रेस्ड वेल एंड बिल्कुल होना चाहिए, जिसमें कोई वो लाइन ना पड़े। ये आप स्टफ मटेरियल देखोगे, ये रबर है। अगर आप ऐसा कुछ टिंटेड ग्लास में लेने वाले हो तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ग्लास आप या तो फ्लूटेड डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या टिंटेड थोड़ा ज्यादा लेना। रीजन मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, ये ज्यादा टिंटेड है। सी कि अगर इसके अंदर भी लाइट जलेगी तो बहुत ही कम देखा, क्योंकि ये जो ग्लास है कुछ ज्यादा ब्लैक है कंपेयरिंग टू दैट। तो ये है आपकी शू रैक, और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कि अगर आपका किचन छोटा है या 10x8 या 10x6 या 12x6 के साइज का है तो आप अपने किचन में और स्पेस कैसे निकाल सकते हो, वो फिटिंग भी इसी वीडियो में आपको दिखने वाला है। तो अगर आप यहां तक रुके हुए हो तो अब मैं बताऊंगा इसकी आपको वन बाय वन कॉस्टिंग, क्योंकि भाई जब घर बनाते हैं या डिजाइन करते हैं सबसे पहला सवाल क्या आता है मन में, वो होता है बजट। तो मैं आपको बताऊंगा एमआरपी, जिसपे ऑल ऑन अराउंड जिस एक्सपीरियंस सेंटर में मैं हूँ, जो कि है रजौरी गार्डन में, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये आपको सीधा देंगे 30-40% का डिस्काउंट। इसका जो एमआरपी है वो है 9000। तो ऑर्गेनाइजर ड्रॉर की जो प्राइस है, या असॉर्टमेंट ड्रॉर भी इसको बोलते हैं, इसका जो प्राइस शुरू होता है वो 11000-15000 होता है। नेक्स्ट जो रतन केन या फिर जो केन का जो हमारा ड्रॉर है, इसका जो प्राइस है 12000-15000। पूरा डिस्क्रिप्शन में लिस्ट लिख दूंगा जिससे कि आपको पूरा रेट मिल जाए, और मेरी टीम भी ऐसे ऐसे कर रही है कि सर हमने इसका नहीं रेट पूछा। 18 पेयर्स के फुटवेयर की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 32000 है, और अगर 30 पेयर्स वाले फुटवेयर की अगर बात करें तो इसका प्राइस आएगा 54000। अगेन एमआरपी है, डिस्काउंट लेना मत बोलना। तो गाइस, अब मेरे को आप ये बताओ कि ये क्या है, क्या ये शटर है या ये स्लाइडर है? एक्चुअल में दिस इज अ स्लाइडर, और अक्सर स्लाइडर क्या होते हैं वो आगे पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके केस में सब दोनों फ्लश हैं, देख रहे हो एकदम। इसकी खासियत क्या है, ये पहले बाहर निकलता है और फिर स्लाइड हो जाता है। मूविंग ऑन, इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कि अगेन ड्रॉर वाला झंझट खत्म, कि ड्रॉर के अंदर ऑर्गेनाइजर डालो, मैसी चीजें खत्म। सीधा सीधा आपका है ऑर्गेनाइजर। कैमरे वाले भैया जरा इधर आ जाइए। इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पास पास करना है, दूर दूर करना है, इसको उठाया स्लाइड किया खत्म, इसको उठाया स्लाइड किया खत्म, पर स्लाइड स्लाइड लिया खत्म। तो जितने नंबर ऑफ पेंट्स इसमें आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। इसके अंदर आप टोटल 10 नंबर्स ऑफ पेंट या ट्राउजर्स अपने डाल सकते हो या ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो पहले तो आप एक चीज बताओ कि इस शटर के अंदर आपको हिंजेस जो जिसपे कब्जा या जिसपे डोर घूमता है वो किधर है? तो इसके अंदर जो हिंजेस लगते हैं उसे हम बोलते हैं एयर हिंजेस, जो कि सीमलेस पैटर्न देते हैं, जो कि आपको दिखेंगे टॉप पे है, मतलब एक डोर में टॉप पे और एक डोर में बॉटम में। तो ये एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स करीब 5 कलर्स में और आती है, जो आप एक्सपीरियंस सेंटर पे आके चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इंटरनेट पे भी जाके ओजोन की वेबसाइट पे देख सकते हो। हाय, तो मैं हूँ आपका संजीव कपूर डुप्लीकेट, और आज हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं शाही पनीर। कुछ भी, मजाक कर रहा हूँ, ये हमारा काम नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनकी किचन का साइज थोड़ा सा स्मॉल है लेकिन उसको बिग कैसे बनाना है वो हम दिखाएंगे। उसके बोलते हैं स्पेस सेविंग फर्नीचर, दैट्स राइट। और स्पेस फर्नीचर की खासियत क्या है, आज इसमें मैं सिर्फ आपको 2-3 ही आइटम कवर करूंगा, तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और आप वीडियो को देखोगे नहीं। कहां है हमारी आइलैंड किचन? ये रही, ये देखो, सिंपल, अगेन सिंपल,
एंड दिस इज योर ब्रेकफास्ट काउंटर. इसको करेंगे हम थोड़ा सा पुश, ये गया नीचे, ये गया अंदर. ये यूज होगा एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर, लेकिन यहाँ पे दो छोटे पफी टाइप स्टूल्स आएंगे क्योंकि हाइट थोड़ी सी नीचे है, इसलिए यहाँ आपको बड़ी चेयर्स लॉन्ग हाइट वाली नहीं लाएंगी, छोटी चेयर्स आएंगी जिसपे यहाँ पे छोटे बच्चे आराम से आपके साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. साथ के साथ आप अपने खुद ऑफिस में कर सकते हो. साथ के साथ इसका जो एक बेनिफिट है, इसके नीचे दो ड्रॉज भी हैं जो इसके छोटे भाई के भी थे जो हमने दिखाए नहीं, और इजी टू फोल्ड है, सिंपल उठाया और अंदर एंड द फ्लैप इज बंद. और अगर चाहो तो इसमें जो ड्रॉज हैं इसको यूज कर सकते हो. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं अभी भी ओजोन के एक्सपीरियंस सेंटर में हूं. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको स्टडी टेबल चाहिए तो कैसे करनी है. अभी फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ, एक छोटी सी टेबल है 2x2 की, लेकिन क्यों ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए. ये हो गई उसके एंड अपना बग गए इधर, तो ये अब हम काम कर सकते हैं. स्लैब बंद करेंगे, इसको उठाएंगे, लैपटॉप को इधर रखेंगे, वापस इसको फोल्ड करेंगे, स्लाइड करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हमारे क्विक टिप्स के लिए शॉर्ट्स भी देखते रहना. साथ के साथ हमारा एक चैनल और है यूट्यूब का जहाँ पे हम अपने वर्क कल्चर को दिखाते हैं जिसका नाम है एंटी कॉच शॉर्ट्स. और सेम दो चैनल है हमारे, वो है इंस्टाग्राम पे जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, अपनी क्वेरी भेज सकते हो. और अगर आपको लगता है कि आपने अपने घर को खुद से सुंदर बनाया है तो आप हमें अपने घर बुला सकते हैं, हम आएंगे आपके साथ और करेंगे सीधा आपके घर पे पॉडकास्ट जहाँ मैं बात करूंगा डायरेक्टली लाइव और जानेंगे आपके घर में कि आपको क्या दिक्कतें आई, कैसे आपने घर को सुंदर बनाया, क्या आपको इंस्पिरेशन मिला. तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन गुड बाय.